अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायक़े में। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं बेहद हसीन मौसम हो रहा है। यहाँ मुंबई में बारिशों का सीज़न है और हर तरफ देखें आप बारिश ही बारिश और हरियाली है। तो आज हमने सोचा कि कुछ बेहतरीन सा चटपटा मज़ेदार सा कुछ बनाते हैं। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं ये बना रहे हैं चिकन मसाला राइस। ये सिंपल भी है, इजी भी है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलें शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर मसाला राइस और ये चिकन के साथ हम बनाएंगे। तो मसाला राइस बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो बासमती राइस अच्छे से वॉश किए 3 से 4 पानी से और इन्हें सोख करके रख दिया है। 1 किलो यहाँ पर हमने हड्डी के साथ चिकन लिया है। मसालों में आप नोट डाउन कर लीजिए, 4 टेबलस्पून आपने लेना है दही, 4 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, 2 तेज़पत्ता लेंगे। पाउडर मसालों में जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर हमने चिकन दम मसाला लिया है, ये 2 चाय के चम्मच लिया है, ये हमारे चैनल पर अपलोड है। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ हमने 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया है। नमक मिर्च की तेज़ी आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। गरम मसाले इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो दम मसाला है, ये बिरयानी का दम मसाला, ये इसमें ही काफ़ी सारा आपको फ्लेवर मिल जाएगा। हरे मसाले में कुछ इस तरह से जाएगा, 1 मुट्ठी हरा धनिया, पुदीना मिक्स हमने यहाँ कट करके रख लिया है, पहले से अच्छे से वॉश करें फिर बारीक कट कर लें। यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क है, आप एक तरह की डाल सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह से कट कर लिए हैं और 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 पतीली में हमने ऑयल डाल के रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 सर्विंग स्पून भर के ऑयल डाला है और ऑयल गर्म हो गया है, चलिए ये मसाला राइस बनाना शुरू करते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें 3 तेज़पत्ता, थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे प्याज जो हमने 4 मीडियम साइज की कट करके रखी है और प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर लेना है। जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट हो रही है इसमें हम एक फ्लेवर दे रहे हैं, ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त जायका मिलेगा। तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें आपने ये केवड़ा एसेंस जो है इसके फ्यू ड्रॉप डाल देने हैं, 3 से 4 ड्रॉप काफ़ी रहेंगे। प्याज ने यहाँ कलर चेंज कर दिया है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ साथ डाल देंगे दही। अभी से आपने इसको थोड़ा भूनना है। फ्यू सेकंड्स के लिए आप इसे भूनें। जिस वक्त आप दही और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें फ्लेम फास्ट रखें क्योंकि दही जो है वो काफ़ी पानी छोड़ देता है और फट जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलें अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन। चिकन को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको कुछ सेकंड आपने भूनना है ताकि अदरक लहसुन दही के साथ चिकन आपका अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप केवड़ा एसेंस डालते हैं तो उस चीज़ का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा और पसंद नहीं है तो उसकी जगह आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो रोज़ वाटर आप 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, मसाला अच्छे से पक गया है इसमें। अब जितने पाउडर मसाले हैं वो आपने शामिल कर देने हैं, यानी हल्दी मिर्च, धनिया, नमक और ये चिकन दम मसाला। ये चिकन दम मसाला बिरयानी के नाम से हमने अपलोड किया है, चिकन दम बिरयानी मसाला के नाम से, तो वो आप चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें डालने के साथ साथ आप इसमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी डाल दें।
ये सब चीज़ें बरसात के मौसम में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत लाजवाब जायका देती हैं। चलें अब सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं, फ्लेम हम वापस से मीडियम कर लेंगे और मीडियम करने के बाद इसको भूनेंगे अच्छे से। कभी ऐसा होता है कि वक्त नहीं है, बिरयानी नहीं बनाने को दिल कर रहा है, तो इस तरह के आप ये चिकन को मसाला राइस, चिकन के मसाला राइस बना सकते हैं और ये बहुत लाजवाब होते हैं, झटपट भी बन जाता है और जायकेदार भी होता है। नमक हम इसमें बाद में टेस्ट करेंगे जब राइस डालेंगे, और मिर्च भी बाद में चेक कर सकते हैं, अगर मिर्च की कमी लगी तो हरी मिर्च कट करके इसमें शामिल की जा सकती है। तो फिलहाल हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। इसको हम कम से कम 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 1 कप पानी डाल रहे हैं, ये मग हमारा थोड़ा बड़ा है लेकिन नॉर्मल कप के नाप से इसमें हमने लिया है। ये पानी हमने इसमें शामिल कर दिया, एक बार चम्मच चला देंगे और अब आप नमक मिर्च इसकी चेक कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा तेज होना चाहिए क्योंकि इसमें 1 किलो चावल भी आने वाले हैं। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है क्योंकि मसाला हमारा जो हमने बनाया था चिकन दम बिरयानी मसाला, वो बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला है, और हरा धनिया, पुदीना और ये सब बाकी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आके ये चीज़ें बहुत लाजवाब हो जाती हैं। तो थोड़ा सा नमक इसका चेक कर लेते हैं। फिलहाल नमक परफेक्ट है, लेकिन हम पहले राइस डालेंगे, फिर बॉईल आएगा, उसके बाद में इसका नमक चेक करेंगे। चिकन को पकते हुए 2-3 मिनट हुए हैं, चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह टमाटर अच्छे से गल गए हैं, लेकिन अभी इसमें पानी है क्योंकि अभी हमने इसमें पानी शामिल किया था, किसी वजह से टमाटर तो सॉफ्ट हो ही जाना थे और चिकन ने भी पानी छोड़ा था, दही का भी पानी था। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं 3 मीडियम साइज के आलू, और आप अगर चाहें तो ये सारा मसाला आलू के साथ भी मिलाकर बना सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो चिकन स्किप कर दें, जैसे कि वो लोग नहीं खाते हैं, तो आप इसमें इस तरह से भी बना सकते हैं सिर्फ आलू के साथ, और इस रेसिपी को आप मटन में भी बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनेगी। और एक बात और भी बतानी थी आपको, अगर आप चाहें तो चिकन या मटन को जो मसाले हमने डाले हैं उसमें आप एक दिन पहले मैरिनेट करके रख दें और नेक्स्ट डे बनाएं तो और ज़्यादा आपकी चीज़ें ये फ्लेवरफुल बनेंगी। तो चलें अभी हम इसको कम से कम 10 मिनट बनाएंगे यानी पकाएंगे, और 10 मिनट में हमारे आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी हमारा गल जाएगा, उसके बाद राइस डाल के इसे हमने दम देना है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जो लोग अगर इसको मटन में बनाना चाहें तो मटन को थोड़ा वक्त लगेगा पकने के लिए, तो उतना इंतज़ार करना पड़ेगा, और चिकन में तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए और फ्लेम स्लो कर देंगे, और उसके बाद इसमें राइस डालेंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 12 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत जबरदस्त है और ऑयल भी इसमें ऊपर आने लगा है। आलू चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह आलू भी गल गए हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, बस इसमें हमने हमें राइस डालनी है। तो राइस का जो पानी था वो हमने निकाल दिया है, जो इसमें थोड़ा सा पानी है इसको भी ड्रेन कर देते हैं और सारे राइस को इसमें डाल देते हैं। सारा राइस हमने इसमें सोक किया हुआ डाल दिया है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 लीटर पानी, क्योंकि 1 किलो चावल में 1 लीटर पानी ही जाएगा, और अगर कम लगा तो बाद में देख लेंगे।
लेकिन फिलहाल तो इतना ही जाएगा क्योंकि काफी सोख हुए हुए हैं चावल। ये पुराना बासमती है, इसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इतना अच्छे से सोख कर दें। आहिस्ता से बिल्कुल चम्मच हिला दें, बिल्कुल इस तरह से करके, ताकि मसाला और राइस सब अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब इसमें हमने उबाल आने देनी है। जैसे ही अच्छे से एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद नमक चेक करेंगे, मिर्च चेक करेंगे, कोई चीज़ की अगर कमी लगी तो इसमें इस वक्त ही शामिल किया जा सकता है। फ्लेम फास्ट कर दी है, अब वेट करते हैं इसमें उबाल आने का। तो जब तक इसमें उबाल आता है थोड़ी देर इसको कवर कर देते हैं, थोड़ा इस तरह से कवर करेंगे कि हमको दिखता भी रहे। मसाला राइस में बॉईल आने लगा है, बस इसे अब हम चेक कर लेते हैं। मिर्च बिल्कुल सही है लेकिन नमक कम है। तो इसमें हम एक चाय का चम्मच भर के नमक डाल रहे हैं। ये हम पिंक सॉल्ट यूज कर रहे हैं, सेंधा नमक और पिंक सॉल्ट दोनों ही हम यूज करते हैं क्योंकि हेल्थ रीजन से वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता है। दूसरे हम ये ब्लीच से क्लीन नमक नहीं यूज करते हैं, बिल्कुल भी बंद कर दिए हैं, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। पानी का लेवल बिल्कुल राइस के बराबर आ गया है, या आप पास से देखिएगा, ये देखें। और अब इसे हम कवर कर देंगे, फ्लेम हम कर देंगे स्लो और इसको 10 मिनट कवर करके दम देंगे। 10 से 12 मिनट इंशाल्लाह ये दम आ जाएगा। नाज़रीन, ये चिकन मसाला राइस बहुत ही यमी सा बन के रेडी है और इसे हमने ब्रिस्ता प्याज से और हरे धनिए से गार्निश किया है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही हेल्दी भी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।